नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव पर। पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि बिहार में किस तरह के राजनीतिक कुचक्र चल रहे हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं, रणनीतियां बन रही हैं, प्लानिंग बन रही हैं और यहां तक कि मास्टर स्ट्रोक भी खेले जा रहे हैं। लेकिन इन सब मास्टर स्ट्रोक में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद खेलेंगे। लालू प्रसाद के मास्टर स्ट्रोक में बिहार का सीएम पद और उसकी कुर्सी बड़ी महत्वपूर्ण है। लगातार लालू प्रसाद 2005 से लेकर के अब तक जो सत्ता का सुखाड़ है उसे पूरा करने के लिए 2017 में अपने लाइन लेंथ से अलग हट करके नीतीश कुमार को समर्थन किया था और वो भी बिना शर्त। जब 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकल करके आए थे, एक बार फिर से वो मौका आ गया है जब नीतीश कुमार को और उनके ऑफर को लालू प्रसाद ने स्वीकार किया, जबकि तेजस्वी यादव और उनकी टीम स्वीकार नहीं करना चाहती थी। इसके पीछे कारण था कि तेजस्वी यादव को इस बात का शक था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी कुर्सी के लिए उन्हें बलि का बकरा बना देंगे। लेकिन लालू प्रसाद के प्लानिंग और उनके मास्टर स्ट्रोक से ये सरकार फिर से बन गई और दोनों चाचा भतीजा एक साथ आ गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो लू फॉल्स है वो है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने वादा किया है कि वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में जाएंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप के जाएंगे। लेकिन हमने पिछली खबर में आपको बताया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने देगी। अगर ये होता है तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की नज़र में हीरो बन जाएंगे और उनके लिए तेजस्वी यादव बहुत कुछ करेंगे। युवा हैं और ये सोच भले ही राजनीतिक व्यक्ति हों, राजनीति उन्होंने बचपन से देखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटिमेंट भी काम करता है। सेंटिमेंट ही था कि नीतीश कुमार के लिए उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। इन सारी बातों के बाद अब जबकि लालू प्रसाद के मास्टर स्ट्रोक में के चंद्रशेखर राव की एंट्री हो रही है, हालांकि के चंद्रशेखर राव का बिहार आगमन किसी दूसरे कारण से हो रहा है। उनके आने का कारण कुछ और है, लेकिन चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उनका बिहार आना और बिहार आकर के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों से मुलाकात करना बहुत सारी कहानियाँ कहता है। एक दिवसीय दौरा पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था खबरों के माध्यम से कि तेजस्वी यादव तेलंगाना गए थे और उनसे जा करके मुलाकात किया था। अब इस देश में एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत करने की कोशिश चल रही है। वो कोशिश है कि इस देश में नरेंद्र मोदी को टक्कर कौन देगा और सारा विपक्ष मिल करके किसे अपना नेता चुनेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये भानुमति का कुनबा है और इसका बिखरना तय है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इन सब के बाद के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार को समर्थन करें या ना करें, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने इसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं उसी रणनीति का हिस्सा तो के चंद्रशेखर राव नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने ये चाहती हैं। बंगाल चुनाव में जिस तरह से बिना शर्त समर्थन किया था तेजस्वी यादव ने और ममता बनर्जी की सरकार बनी थी, तभी उन्होंने ये वादा किया था कि बिहार में जब भी जरूरत उनकी पड़ेगी वो हाजिर हो जाएंगे। और यही बात है जिसको लेकर के लालू प्रसाद ने स्पष्ट कहा था कि पश्चिम बंगाल में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, सीधे तौर पर वो ममता बनर्जी का बिना शर्त समर्थन करेंगे। आज के चंद्रशेखर राव के जब आगमन की खबर सामने आई तो ये बात और ज़्यादा साफ हो गई कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद वो लालू प्रसाद से भी मुलाकात करेंगे और लालू प्रसाद के जो एजेंडा हैं, जो उनका मास्टर स्ट्रोक है, उस पर वो काम करना शुरू करेंगे। आपको पता है कि लालू प्रसाद अभी भी देश के बड़े राजनीतिक नेताओं में माने जाते हैं। अभी भी उनके जो राजनीतिक षड्यंत्र हैं या कहा जाए कि राजनीतिक जो रणनीतियाँ बनाते हैं, हालांकि वो खुद षड्यंत्र का हिस्सा है जैसा कि उनके पार्टी के लोग कहते हैं, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सारा खेल रचा जा रहा है उसमें लालू प्रसाद का मास्टर स्ट्रोक काम करना शुरू कर चुका है। और लालू का ये मास्टर स्ट्रोक जो प्लान बिहार है उसमें कौन बनेगा सीएम, इसकी दौड़ शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर के काफ़ी खुश नज़र आ रही है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके खुद कुर्सी अपने कब्जे में कर लें। इससे नीतीश कुमार तो आउट हो ही जाएंगे, जो हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन के चंद्रशेखर राव जिस तरह से
एकजुटता को लेकर के, विपक्ष की एकजुटता को लेकर के एक मुख्य हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रबल विरोधियों में से हैं, उनके पटना आगमन को लेकर के बहुत सारी कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी, लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन केसीआर जब बुधवार को सुबह हैदराबाद से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे तो इसके साथ साथ उनके कार्यक्रम जो है गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के परिजनों को अपनी सरकार की तरफ से सहायता राशि देने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति जब निकलते हैं तो एक काम से नहीं कई काम से निकलते हैं और लालू प्रसाद के, तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं बनिस्पत नीतीश कुमार के। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस बीच में कई भविष्यवाणियां भी आ रही हैं। हाल फिलहाल में एक भविष्यवाणी बेत्रा अशोक की आई है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी बहुत जल्द छीनने वाली है। हालांकि उनके ग्रह गोचर पहले जैसे खराब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कुर्सी छीनने वाली है और उस कुर्सी पर बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करेगी। हालांकि ये बातें चल रही है कि तेजस्वी यादव उस कुर्सी के बहुत करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी उस कुर्सी को नीतीश कुमार से छीन करके तेजस्वी यादव को मिल जाए, इसका कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर प्लानिंग बना रही है। अगली खबर में आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।